नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। जय भीम महिला संस्था द्वारा मीरा रोड के मंगल नगर इलाके में लड़कियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की जानकारी देने हेतु प्रत्येक रविवार को कराटे ट्रेनिंग सेंटर का निःशुल्क आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हर वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क कराटे की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह सेल्फ डिफेंस कर सकें। यह कार्यक्रम संस्था की अध्यक्षा पूर्णिमा तपासदार के सहयोग से रखा जा रहा है, जिसका उद्घाटन एडवोकेट ब्रिगेंजा सर के हाथों हुआ। इस मौके पर कई संस्थाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का एवं पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। आइए हम सुनते हैं उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। बहुत जरूरी चीज़ है, जो हमारे जो युवा जो है, खास करके मेरा भाईंदर के अंदर जो हमारे युवा है, वो उन लोग के लिए जो खेल कूद के लिए जो जगह है बहुत कम है, और वो लोग को इंटरेस्ट नहीं है आउटडोर एक्टिविटीज़ में खेलने के लिए, मतलब फुटबॉल क्रिकेट वगैरह जो जिसमें स्ट्रेंथ लगती है, वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं हमारे जो नौजवान लड़के लोग जो हैं और लड़कियों। और अभी ये है कि ये जो पूर्णिमा मैडम ने जो है यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, जो जूडो कराटे सर जो भी है उनके माध्यम के थ्रू से यहाँ पे उसने जूडो कराटे छोटे जगह से स्टार्ट किया है, तो ये मैं तो सोचता हूँ कि ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव सिर्फ नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमारे युवा को ड्रग्स से अगर आपको बचाना है तो जूडो कराटे में ज़रूर भाग लीजिए, उससे आपके जो हेल्थ है, जो बॉडी है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेंगे। और जैसे अच्छा बॉडी है, जैसे मैं बताया कि अगर एक मंदिर के जो दीवार है, अगर दीवार मजबूत रहेगा तो अंदर की मूर्ति जो है वो संरक्षण रहेगा। हर एक ये इस चीज़ में हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी अगर स्ट्रांग रहेगा तो हमारी जो माइंड है, जो स्पिरिचुअल माइंड है, हमारा सोल है, वो मजबूत रहेंगे और वो ना गलत कामों में जाने इनकार करेंगे। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, मैं महाराष्ट्र लेवल में मैं 400 मीटर्स का चैंपियन में मैं रह चुका हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, और मुझे पता है कि मैं ये उम्र में भी, मैं अभी 50 इयर्स का हूँ मैं, और मैं आज भी मैं अपने आप को मेंटेन कर रखता हूँ। मैं इसलिए मैं मेंटेन रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर हेल्थी माइंड रहना चाहिए तो हेल्थी बॉडी। किस तरह से ट्रेनिंग आप महिलाओं को लड़कियों को देंगे? मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कुछ एक समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए मिल रहा है, इससे हर्ष मुझे क्या हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि हर एक सोसाइटी में ऐसा एक माहौल बने कि मैं वहाँ पे जाके जो गर्ल्स हैं उनको अच्छे ढंग से मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ, जो जिनके दिमाग में जो क्रिमिनल माइंड चलता है वो माइंड को हम कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। इसीलिए मैं भी जो भी हमें ये जो संदेश देते हैं, मैं ये काम के लिए तैयार हूँ, कहीं भी जाऊँ और एक गर्ल्स लोग के लिए मैं अच्छे ढंग से प्रॉपर तैयार करूँ और हमारे जो गर्ल्स हैं, माँ बहन हैं, ये सुरक्षित रहें। मेरा हमेशा यही कदम रहेगा और मैं हमेशा ये काम के लिए निःशुल्क एकदम निस्वार्थ काम करूँगा, और मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कभी भी एनी टाइम ये काम कर लूँगा। हाँ जी हाँ, ये एक्चुअली कैराटे नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस में है। जो आप देख रहे हैं आज 3-4 साल से कंटिन्यू कोई भी चौकी पुलिस चौकी विजिट करेंगे, 2 साल में कितना 354-376 जो केस है जो दर्ज हुआ है, तो आधा 354 तो ऐसे ही उड़ जाता है क्योंकि उसमें प्रूफ बहुत कम होता है। तो 354 क्या होता है, एक विनय भंग होता है। जैसे भीड़ में महिला चल रहा है उनको छेड़ दिए तो वो कुछ जानते ही नहीं कैसे उनका खुद का सुरक्षा करेंगे। तो ये सारे चीज को ध्यान में रखते हुए कि महिला कम से कम एटलीस्ट जो उनके ऊपर अटैक होते हैं तो उनका सुरक्षा खुद का खुद करे, ये सोच के हमारा जय भीम महिला संस्था ने ये आज से उद्घाटन किया है इस चीज का कि सेल्फ डिफेंस खुद का जो है रक्षा करे, उसका ट्रेनिंग आज से दिया जा रहा है। और इसका जय भीम महिला संस्था ने तो चालू किए है, बट इनके साथ में जीवनधारा संघ है, हमारा दूसरा भी एनजीओ जो है साथ दे रहे हैं, बीजेपी से भी हमारे आई है मैडम जी शुभंगी जी जीवनधारा पूरा उनका टीम है हमारे साथ में, हमारे ब्रिगेंजा साहब है, सबका साथ लेके ये आज उद्घाटन हो रहा है। और ये जो है सेल्फ डिफेंस का जो है 5 साल से लेके 60 साल की कोई भी महिला इसमें आ सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूर्णा जी, एक और आपसे बात पूछना चाहेंगे। इस समय जो कठुआ और उन्नाव कांड को लेकर
कैंडल मार्च चल रहा है, गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिया है, बावजूद कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस मामले को तोल दे रहे हैं, उस मामले में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस घटना से हमें भी बहुत दुख है, इस दुख का कोई जितना भी बोला जाए वो कम है। बट एक राजनीति जो हो रहा है, चेहरा ओपन करके जो मोमबत्ती वगैरह जो किया जा रहा है, ठीक है वो एक श्रद्धांजलि जा रहा है, बट चेहरे को ओपन करके कोई पीड़ित है उनका चेहरा ओपन करके मोमबत्ती जलाया जाए और इधर श्रद्धा भी दे रहा है और उनका चेहरा भी ओपन कर रहा है, तो ये मेरे समझ के बाहर होता है थोड़ा चीज। और ये सारे चीज को देख के हम लोग को लगा नहीं कुछ ऐसा करे जो करने से कुछ तो सुधार होए। चलो